गया जी में जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का ओडीपी का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उक्त अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गया जी में भी गरीब मरीजों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मौत हृदय रोग के कारण से होता है। उक्त मौके पर जय प्रभा मेदांत के निदेशक डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि यहाँ उच्च स्तरीय जांच व चिकित्सा सेवा के लिए अनुदानित मूल्य पर होता है, लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में दम तोड़ देते हैं। हृदयघात में रोगी के पास कुछ ही घंटे रहते हैं, जिससे रोगी व्यक्ति की जान बचाने के लिए, लेकिन जानकारी के अभाव में समय निकल जाता है और जान जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। गया जी में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ गया में ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर परिमल सिंह, रामेश्वर यादव, रमेश सिंह, रोहित कुमार आदि उपस्थित रहे। और जहां तक मेदांता का सवाल है, चाहे दिल्ली का मेदांता हो या पटना का मेदांता, इन लोगों की सेवा उत्कृष्ट सेवा रही है। और वो जब गया में सेवा देने के लिए आए हैं, ये गया का सौभाग्य है। हम दिन दुनी रात चौगनी के हिसाब से इसकी प्रगति हो, इसकी कामना करते हैं। और हम समझते हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधा हमारे गायक गयावासियों को मेदांता की तरफ से हो। परमल साहब डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे अनेक इंसान हैं और बहुत बड़े डॉक्टर, जितना भी उनका तारीफ किया जाए कम होगा। और चूँकि सेवा के भावना से आए हैं, और सेवा के जो भावना अगर कोई डॉक्टर रखता है तो बहुत बड़ी बात है। तो जो इलाज करेंगे दिल का, दिमाग का और पैर का जो ठेवना होता है उसका, तो ये गया में नहीं उपलब्ध था। जो आज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, अच्छे इंसान अच्छे चीज़ देना चाहते हैं, अच्छा इलाज करना चाहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे गया नहीं मगर पूरे मगध प्रवासियों से कि सारे लोग यहाँ आइए और एक बार इसका सेवा का लाभ आप लोग को लेना चाहिए और एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए। खट्टा मीठा वो जो स्वाद होता है टेस्ट के बाद ही पता चलता है। मेदांता जय प्रभा अस्पताल है। जय प्रभा नाम मेदांता से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि बिहार से जुड़ा हुआ है। जयप्रकाश जी और प्रभावती जी के नाम पे बिहार सरकार की इंसिस्टेंस पे ये अस्पताल खुला है और बिहार सरकार की भागीदारी है इसमें। ये जन भागीदारी और प्राइवेट का पीपीपी मोड पे खुला हुआ अस्पताल है। बिहार सरकार ने बड़ी सारी सुविधाएं जनता के लिए दी हैं। आप विश्वास नहीं करें कि हम लोग MRI बिहार सरकार के कहने पर सिर्फ 2200 रुपये में करें। CT स्कैन कहीं भी आप लोग कराते हो, आप लोग सब लोगों को पता होगा 3000-4000 से कम का CT नहीं होता, हम लोग 900 रुपये में करें।